कोको की भाई बहुत ही ज्यादा प्लेट गिर रही और तो भाई मौत के मुंह मजा निकल गया। ओए कोको नहीं 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 होने लग रहा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब भाई दवाई लिख रहे इन दोनों घुमाते घुमाते काफी देर होगी। ओए पूंछ पकड़ ली थी। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉक्टर और गाइस आज गुड मॉर्निंग इस वजह से नहीं बोल रहा क्योंकि भाई मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। रात भाई डॉक्टर ने थोड़ी टेंशन दे दी क्योंकि भाई रात कोको की रिपोर्ट आई थी। कोको की भाई बहुत ही ज्यादा प्लेट गिर रही है। ये मानो कि डॉक्टर तो ये कह रहा था कि इसका बचना मुश्किल है। वैसे तो भाई एक्टिव है। ये देखो भाई मेरे पीछे पीछे आ गई। वैसे तो भाई इतनी बीमार हो रही डॉक्टर भी ये कह रहा कि चल फिर कैसे रही क्योंकि भाई मैं इसकी एक्सरसाइज वगैरह करवाता रहा था ना इस वजह से भाई इसके अंदर एक्टिवनेस है। वरना भाई इसकी प्लेट बहुत ज्यादा गिर रही। डॉक्टर भी ये कह रहा था कि बचने का चांस भी बहुत मुश्किल है। वैसे भाई मुझे इस पर उम्मीद है कि बच जाऊंगी क्योंकि भाई जिस हिसाब से डॉक्टर बता रहे इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कंडीशन उस हिसाब से तो भाई काफी एक्टिव है। अब भी भाई थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास। रोक्सी ने सिम्बा भगा दिया ऊपर लो भाई चप्पल लेने जा लिया तो इसकी रोज की सेम ड्यूटी है चप्पल उठाने की। सिम्बा चलो ऊपर चला जा कोको का ध्यान रख। ये बताना तो भाई मैं भूलेगा कि क्या हो रहा कोको का। इसका भाई टिक फीवर है। टिक फीवर की वजह से इसकी भाई प्लेट बहुत ज्यादा गिर रही। जैसे भाई जोरा का हुआ था ना सेम वही प्रॉब्लम होगी भाई इसके साथ। बट भाई मुझे एक चीज की सोच आ रही मेरे डॉग्स का भाई एक भी तो टिक्स नहीं है बट भाई फिर भी इसका टिक फीवर हो गया। पता नहीं भाई मेरे सभी डॉग्स का सेम प्रॉब्लम क्यों हुआ। ऐसे तो भाई जोरा की डेथ हुई थी। बाकी भाई मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा चाहे भाई मुझे कहीं भी ले जानी पड़े। मुझे तो कुछ कुछ पहले के जैसी लग रही। देखो भाई अभी पिंजरे के पास जाली इसके अंदर भाई मैंने वो पिजन बैठा रखा ना उसे देख रही। ईशा भाई खाना वाना खिलाता हूँ इन दोनों को। देखो भाई कैसे बैठे। हाँ तो दे दू खा जाइए तो दोनों भाई सही देख रहे। बट भाई के पास छोड़ने का रिस्क लेता एक बार के मैं काम तमाम कर देंगे खत्म। सबसे पहले भाई इन दोनों को अंदर करता हूँ वरना भाई सा खाना भी नहीं खाने दे। वैसे तो भाई स्पोर्ट ना आवे थोड़ा बहुत। ओए 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 अंदर जा लिया। कोको हट जा। और तो भाई मौत के मुंह मजा निकल गया क्योंकि भाई जंगले में को निकल गया अंदर जा लेता अंदर भाई कोको थी। वो तो भाई शुक्र है कोको ने से कुछ ना कहा। कोको ने बस भाई स्मेल करके छोड़ दिया कुछ नहीं कहा। इसे भाई दोबारा से केज के अंदर छोड़ दिया। केज के अंदर ही भाई से दाने वाने डाल दिए। ओए 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 कोको नहीं 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 कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे तो भाई इसका मुंह बाहर आ जाएगा। निकल गया साइड में भाई कट्टे लगाता हूँ क्या पता भाई डॉग पकड़ ले। पिंजरे के भाई चारों तरफ कट्टे लगाता हूँ जिससे कि भाई बाहर ना आ सके। बस भाई 3 या 4 दिन की बात है फिर तो भाई बड़ा हो जाओगा उड़गा भाग जाओगा खुद ही। ये देख लो भाई क्या जुगाड़ कर दिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई अभी उसे देख नहीं पड़ेगा। सिम्बा को देखो भाई कितना तेज है कपड़ा उठा रहा बहुत तेज हो रहा है। ओए सिम्बा के बच्चे मान जा इस साइड से भाई कोको लगी पड़ी। बट भाई थोड़ी देर की और बात है कोको तो क्योंकि भाई मेरे साथ चली जाओगी डॉक्टर का। सिम्बा भाई अकेला फिर ज्यादा परेशान नहीं करने का। यो भाई कोको के साथ मिलकर ज्यादा छेड़ रहा है। वैसे कोको भाई से कुछ नहीं कहती मैंने अभी देख ली थी सूंघ सूंघ का छोड़ देता। पता नहीं भाई फिर भी क्यों छेड़ रहे हैं। या तो भाई इन्हू कह रहे हमारे घर में कौन घुसेगा। देखना भाई कैसे पंजे मार रही को कौन कह दगा इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब। डॉक्टर तो भाई ये कह रहा था कि इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है या तो चल फिर भी नहीं सकती या फिर भाई इस वजह से इतनी ज्यादा एक्टिव है क्योंकि भाई मैं इसकी एक्सरसाइज वगैरह करवाता रहूं ना खेत वगैरह में लेकर जाता रहूं इसकी इम्यूनिटी बढ़ा रखी मैंने। तो गाइस अभी चलते हैं डॉक्टर के पास और गाइस देखो भाई कैसा रास्ता रोक रखा फुल फैमिली पैक घूम रहे भाई। ये तो भाई बिल्कुल ही आग गड़ गई थी। तो गाइस होने लग रहा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब भाई दवाई लिख रहे कैसे कैसे लगानी होगी। ये पहले लगानी है एमएक्स 150 ml लगेगी। गाइस अभी दवाई वगैरह तो ले ली क्या भाई। नारियल पानी लेते हैं और गाइस की भी लेते हैं क्योंकि भाई इसकी प्लेट डाउन हो रही ना। नारियल पानी तो कटवा लिया भाई की भी लेते हैं। घर पा गया कोको को लेकर और गाइस कोको सीधा पानी के पास गई थी। सब भाई नारियल का पानी पिलाता हूँ शायद भाई से प्यास लग रही। सब के सब भाई का पता ले रहेगी क्या हो गया। रोक तो सीधा इसका पैर देख रहा पैर में भाई कैनोला सेट हो रही ना। चिंटू दवाई देख रहा कि क्या क्या लेगा। या तो भाई फिर से भाई के पास जाली। देख लो भाई से देख कौन क्या दगा बीमार है। बट भाई इसकी इतनी ज्यादा प्लेट डाउन है बहुत ज्यादा। ये सब भाई की दवाई वगैरह है ये भाई का नारियल पानी हो गया। सबसे पहले से नारियल पानी पिलाते हैं। देखो भाई कैसे लेटेगी रोक उसके पीछे आके लेटेगा। ड्रिप वगैरह तो लगा दी ऊपर भाई ड्रिप लगने लग रही 150 ml ड्रिप लगानी भाई अभी। अब भाई वाली ड्रिप लगाते हैं लगा दी भाई दूसरी बोतल भी। अब भाई थोड़ी देर में तीसरी बोतल लगेगी। शाम हो गई और गाइस निक्के बच्चे भी आने स्टार्ट हो गए। इनका भाई अभी तक पंजा कंपटीशन हो रहा था वो रहा हमारा चेरी। रोक्सी के पास जरा रोक्सी भाई का बुड़का बुड़का ना भर ले। कोको की कंडीशन दिखाता हूं कोको की कंडीशन कैसी है अब। ये देखो भाई ये हमारी कोको बिल्कुल एक्टिव है बंदर भगारी जब से बिना बात के बंदर भगारी। यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं है बट भाई बंदर भगारी। वाह भाई ठीक होगी ना इस वजह से कह रही मैं बंदर भगाऊंगी। ये देखना भाई कैसे भोखने लग रही है। हाँ क्या हो गया आज तो भाई काफी दिनों के बाद भोखी है। जो भाई मैं लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड मैं लेकर आता ना आज भाई उसके पास चलता हूँ और गाइस रोक्सी को लेकर जाऊंगा अपने साथ। कुछ भाई रोक्सी भी जर्मन शेफर्ड होगी। सिम्बा को भाई इस वजह से लेकर जा रहा क्योंकि भाई सिम्बा थोड़ा छोटा हो गया ना। रोक्सी आजा बाइक पे बैठ देखते हैं भाई बैठेगा। वैसे तो भाई मुझे लग रहा है बैठ जाएगी। अरे वाह ये देखना भाई तो रोक बनेगी दूसरी रोक्सी को नीचे उतारने से भाई दो दिक्कत है। सामने भाई दो तो डॉग बैठे इस साइड भाई बकरी होगी इतनी सारी किसी पर टैग वटैग ना करते। बकरी हो तारा मालिक कौन है तो भाई को यही नहीं। बट भाई चलो कोई नहीं रिस्क लेते हैं। ओए ओए सीधी भाई उस डॉग के पास जाली। बट भाई वो डॉग तो सीधा है। ओए ओए बजवाना जी इनके तो भाई दोस्ती बहुत मुश्किल से करवानी पड़ेगी। काटने का नहीं। ओए 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 बच गई थी इनकी तो। ओ भाई सब काम कर दिया था तो खत्म चिपट गया था तो इसका। ये देखना भाई कितनी बुरी तरह से एग्रेशन कर रहा। इन दोनों की तो भाई दोस्ती करवानी पड़ेगी। थोड़ा पास पास लेगा देखते हैं भाई क्या करे। यो इसके ऊपर अटैक तो कर रहा बट भाई बुढ़ गया नहीं भर रहा इस पे। या तो भाई शायद लड़ना नहीं आता या फिर भाई इसके समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ रहे हो रोक्सी तो भाई तुरंत बचकर भाग जावे। इस अभी इन दोनों को एक साथ घुमाते हैं थोड़ी दूर तक क्या पता भाई दोस्ती हो जाए। इस रोक्सी तो इसके आगे बिल्कुल पिल्ली सी लग रही। देखना भाई कितना बड़ा हो गया। बट भाई अगर हमारी रोक्सी लड़ने पा गई इस अभी पिटेगी इसके मालिक को भी पिटेगी। ठीक है ये बहुत असरा। देखना भाई चलता चलता भी इसी की तरफ को देख रहा। अरे बस क्या करके रहेगा ज्यादा एग्रेशन कर रहा। वो कहां है तेरा मिलन वाला।
दे दिया वो तो गाइस देख लो देना ही पड़ेगा क्योंकि भाई दोनों आपस में बहुत ज्यादा एग्रेशन कर रहे थे, घर में भाई रखने पॉसिबल नहीं थे। सबसे पहले तो भाई कच्चे रास्ते भाई बिकॉज भाई पीछे रोड थी, रोड पर भाई वहां आते जाते रहे ना। तो फंस गए, तो फंस गए भाई के पैरों में। ओए ओए अलग कर, पीछे खींच ले, पीछे खींच ले। यहाँ पर भाई तो है, आगे लेके चलते हैं। सब इना आगे ग्राउंड में लेके चलते हैं, यहाँ पर तो भाई तार वगैरह है, बट भाई तो ले जाने मुश्किल हो रहे। रोक्सी को भाई आगे लेके चल रहा, पीछे साने लग रहा शेरू भी। तो गाइस अब इन दोनों घुमाते काफी देर होगी। ओए पूंछ पकड़ दी थी, अरे वो क्या हो गया था भाई, मतलब ये कहने वाला था कि इन दोनों की दोस्ती होगी तुरंत, भाई से ना पूछ पकड़ ली इसकी। गौरव भाई क्या करवा रहा है, थोड़ी देर पहले बताया था रोक्सी मालिक को भी खाओगी इस बार नहीं भाई, ज्यादा पास लेकर जाऊँ। ये तो भाई बड़ा पागल है, तो हमारी रोक्सी की पूंछ पकड़ ली। वो तो भाई सुकर है, पिटबुल वगैरह नहीं है, वरना भाई ग्रिप लगा लेता हमारी रोक्सी की पूंछ में। रोक्सी बहुत पिछवाड़े बुड़का भर थी, आज इसी के पिछवाड़े पर बुड़का भर लिया। अब भाई कोई दिक्कत नहीं, भाई ग्राउंड में आ गए, यहाँ पर भाई चाहे ना खुला भी छोड़ देंगे। क्या बोला तूने? और गाइस लॉन्ग कोट के साइड इफेक्ट है, देखो भाई थोड़ी दूर घुमाने में कितना ज्यादा वहाँ पे गया, क्योंकि भाई तो गर्मी होने लगे, कुछ भाई बड़ा कोट हो गया ना इस वजह से। रोक से को यहाँ पे बांध दिया, यू कह रहा भाई मैं खोल लू, देख लिया दिक्कत ना हो जाए कुछ। थोड़ा भाई पास पास ले जाकर देख रही, क्यों भाई कहीं रोक से खावा ना जावा हमारी। रोक से कहती होगी मन मन में तो मेरे से बड़ा आराम आ गया। ओए 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 अलग कर अलग कर, वैसे भाई अटैक नहीं कर रहा, ये तो खमा ही खा के अंगे दिखा रहा है ना, या ना करने की अच्छा शेरू छोड़ दिया भाई, देखो खुल्ला बस भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए। लो भाई दोनों पास पास ही घूम रहे, अटैक वटैक भाई कोई सा कुछ नहीं कर रहे, शायद भाई रोक्सी भोक है इस वजह से भाई अग्रेसन कर रहा, वैसे तो ना भाई कुछ भी कह रहा। चलो भाई ये तो शुक्र होगी इनकी दोस्ती, दोस्ती तो नहीं हुई बट भाई है कि अटैक भी नहीं कर रहे। शेरू को लेकर अपने पास बैठे बिकॉज भाई साइड रोक्सी है, इनकी भाई धीरे धीरे दोस्ती करवा रहे, वैसे तो भाई अभी अटैक वटैक नहीं कर रहा। फिर रोक्सी को और खुला छोड़ता हूँ, रोक्सी बस तो कहीं भाग भाग ना जाइए। या भाई सिद्धिया तो बाइक के पास जाओगी, सिद्धि बाइक के पास ही जा ली, आ जा अकेली चलाओगी क्या, देखना भाई दोनों पास ही जा लिए। चलो भाई ये तो शुक्र है इन दोनों की दोस्ती होगी। ओए रोक्सी दांत दिखा रही, रोक्सी के अंदर पूरा गुस्सा है क्योंकि बुड़के भर रखे हैं इसके। ओए ओए लड़ने की कोशिश तो करे, लड़ना नहीं आता कुछ भाई, रोक से खुद को प्रोटेक्ट कर ले। ये तो भाई सीन हो गया था एकदम से, भाई फाइट हो गई थी इनकी, फाइट तो नहीं हुई थी भाई चिपट गया था दांत वांत, तो भाई शायद ना लगे होंगे क्योंकि भाई दांत नहीं मारे उन्होंने, एक दो दांत भाई शायद इसका रोक से नहीं मार दिए होंगे। दोनों कभी तो एक साथ खड़े हो जावे, कभी भाई लड़ने लगे, कभी तो भाई रोक से दांत दिखावे, कभी भाई वो दांत दिखावे। बट भाई इस ब्रीड का एक फायदा है, इनकी भाई आपस में इतनी कड़ी फाइट नहीं होती कि ग्रिप वगैरह लग जाए। अगर भाई इनकी जगह पे पिटबुल अमेरिकन बुल्ली वगैरह होते हैं उनकी तो भाई फाइट ऐसी हो गया कि भाई कोई छुड़वा भी नहीं सकता। इनके साथ इतनी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई दूर दूर से एग्रेसन करा जाता है, समझ रहे हो। एक काम करो इनमें से किसी एक को बांध लो। तो भाई अभी रोक्सी को पीछे बांध लिया क्योंकि भाई इनके बीच बीच में दिक्कत हो जाए थी लड़ाई भिड़ाई वाली। देखो भाई रोक्सी कैसा कर रही, कह रही मुझे खोल दो। 22 मार्च को शेरू का जन्मदिन है इसका, भाई बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेगा बर्थडे ठीक है क्योंकि भाई इसका फर्स्ट बर्थडे हो गया। अपने नाम की बिला कर दी टोपी। अब भाई सोच रहे रोक्सी खुला छोड़ते हैं क्योंकि भाई रोक्सी ज्यादा झटपट आ रही। चलो भाई रोक्सी बस तू ना कुछ गड़बड़ करिए, वैसे तो भैया सामने से एग्रेसन नहीं करने की, वो ही कर रहा था थोड़ी थोड़ी दिक्कत बीच बीच में, तुरंत खड़ा हो गया। देखो भाई ओए ओए खत्म, थोड़े दिनों में भाई गर्मी भी आने स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से, फिर भाई टिक्स का सीजन आ जाऊंगा, थोड़ा टिक्स का ध्यान रखिए ठीक है, क्योंकि भाई आजकल टिक फीवर चल रहा है इसका। तो भाई बाल भी इतने बड़े बड़े हैं इसका, तो भाई चीजें पिछू दिखने के भी नहीं। काफी देर होगी मुझे इसके पास बैठे बैठे, मेरे साथ तो इसकी दोस्ती होगी बट भाई रोक्सी के साथ इसकी दोस्ती नहीं हुई। थोड़ी देर में घर पर चलूंगा क्योंकि भाई को ट्रिप भी लगानी। तो भाई सभी रोक्सी सड़क पर जाली, देखो भाई कैसे देख रहा ध्यान से, रोक्सी भाई उनके पास जाली, वैसे भाई इसके पिछले वाले की शक्ल बिल्कुल रोक्सी के जैसी है, देखना भाई है नहीं वैसा ही बिल्कुल। तेल खत्म हो गया के, मारी मत काल लो। अभी सामने से एक और जर्मन सा बड़ी फीमेल आ गई और गाइस शेरू इसके ऊपर भी एग्रेशन कर रहा, या तो भाई डाकू सी लग रही इसकी, तो भाई आंख भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है। ओए ओए शेरू आ गया, शेरू आ गया। तो गाइस एकदम से भाई शेरू आया छूट गया, वैसा भाई सा तो कुछ नहीं कह रहा, रोक्सी का तो भाई बहुत बुड़ के भरा था, बस भाई इन दोनों की ना फाइट हो जाए, वैसा भाई मुझे लग नहीं रहा इन दोनों की फाइट हो गई। ये दोनों तो भाई आराम से मिल रहे, जा लिया भाई देखो शेरू। तो सामने से एक और फीमेल आ गई पिटबुल की, और गाइस ये पिटबुल का मेल है जो आज भाई मुझे काफी दिनों के बाद मिला ठीक है। कैसा हाल मिला? आज भाई 2-3 साल में मिला मुझे, काटने कूटने की तो नहीं है नहीं। वैसे भाई शेरू इसके ऊपर एग्रेशन नहीं कर रहा, अगर भाई ने इसके ऊपर एग्रेशन करते फिर तो भाई भारी पड़ जाऊंगा क्योंकि भाई पिटबुल तो ग्रिप लगा ले। थोड़ी देर में घर पर चलेंगे, ये देखो भाई यहाँ से यहाँ तक भाई डॉग्स ही डॉग्स हो गए, रोक्सी तो हमारी बिल्कुल अलग खड़ी। अभी घर आगे कोको का ड्रिप लगाई, अब भाई थोड़ी देर में बकरी का दूध लेने जाऊंगा, मुंह में लल्लक्सी आ गई। सुबह तो बिल्कुल व्हाइट फेस हो रहा था इसका, अंदर थोड़ी थोड़ी लालपन आने लगा। कोई नहीं भाई हो जाओगी ठीक जल्दी। आगे दूध लेने के लिए अभी बैठी भाई सामने, कितनी सारी बकरी बैठी, पता नहीं भाई रात को दूध देंगी या फिर नहीं, देखना भाई झुंड लगा के बैठी सारी की सारी बकरी। कितनी देर में दूध खराब हो जाए इनका? 2-3 घंटे के बाद। इसका टाइमिंग नहीं है बेटे, सबसे बड़ी बात है ना, सेकंड वैल्यू। अच्छा अच्छा, जल्दी पिया जा उतना ज्यादा कारगर है। अच्छा अच्छा, और भेड़ का? भेड़ का भी ऐसे ही है, कीड़े फट जाओ उसका दूध मतलब तो ज्यादा बार दर्द है। ऊँट के निकालते निकालते ही पीना पड़ता है वो, ऊँट का दूध। अच्छा दूध तो कैल की कैल। अच्छा जी, कीड़े पड़ जाओ वरना। तुमने माइक्रोस्कोप से दूध में वो देखा क्या? हाँ वही है, वो ताकत के है लेकिन वो ज्यादा वो हो जाए डेवलप, वो फिर वैल्यू खत्म हो जाए उनकी। वैसे भाई जहाँ भी जाओ थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेनी चाहिए, देख लो भाई बकरियों की भी ऊँट की भी हर एक चीज की नॉलेज मिलेगी। बड़े वो भेड़ बकरी चला रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रखी है ना, इंग्लिश बोल रहा है वो, और बकरी वाला चाहे बुलवा कर देख ले। क्या बोला तूने? वैसे भाई इन सब में एक खतरनाक है जो ये बैठा ना भाई यहाँ पे बकरा, जो भाई टक्कर मारा बाघ वाक है, और तो सब भाई जितने भी हो सब टक्कर मारेंगे, और तो सब के सब फ्रेंड लिया ये बकरी होगी ना शायद, पूरा नॉलेज था इनके बारे में। बकरी तो पढ़ता तू गेर में भी पीछे भी नहीं आ रहे थे बकरी चुगाने वाले जोड़ पर। उनके थोड़े बैठ जाए तो छोटा सा था, अजीब देखा गुरु था, मुझे बताया गया बोला बकरा टक्कर मारेगा बकरी कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भाई छोटे से को मुझे भी इनका बहुत शौक था, एक बार भाई मैं छोटा सा बकरी ले भी आया था, मैं रही थी भाई एक बार बकरे ने छोटे से ना टक्कर।
याद है मेरे चक्कर आएगा तो। तो गाइस रख देखो कुकू बकरी का दूध पीने लग रही भाई यार, हम आराम से सिम्बा नु कह रहा मुझे भी देख, रोक दिया गया भाई साइड से, रोक नहीं। और गाइस वीडियो के एंड निकाल कोको के साथ ही करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।